लिखते हैं कि पीछे की एक छोटी सी कहानी है, वो कुछ यूं है कि पितृप्रधान जगत में जब नाम माँ का छिपते देखा, पितृप्रधान जगत में जब नाम माँ का छिपते देखा, मैं रीता का बेटा तब से खुद को रीते बताता हूं। और एक और शेर देखें, ये आप मीडिया को जहन में रखते हुए सुन सकते हैं इसको। कुछ यूं है कि उसने देख लिया सुबह कत्ल होते हुए, उसने देख लिया सुबह कत्ल होते हुए, शाम बाजार से लौटा नई आंखें खरीद कर। उसने देख लिया सुबह कत्ल होते हुए, शाम बाजार से लौटा नई आंखें खरीद कर। और एक और शेर देखें, एक बार आगरा गया था ताजमहल देखने, ताजमहल देखा, और वाकई जाना चाहिए ताजमहल देखने। ताजमहल देख के जो एक ख्याल मेरे मन में आया वो कुछ यूं था कि ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, होता अगर इंसान तो अब तक कितना बदल गया होगा। तन्हाई पर लिखने की आदत है तो उस पर है कुछ कि तन्हाई से डरकर भागा है कोई और, तन्हाई से डरकर भागा है कोई और, मेरा वस चले तो मैयत में भी तन्हा चलूंगा मैं। और क्या है कि जिंदगी मौत पर लिखते लिखते तो एक था कि ये जिंदगी कह रही है कि साथ में मेरे रहो पर चर्चे किसी और के। जिंदगी को प्रेजेंट से और मौत को फ्यूचर रिलेट करके सुनना कि साथ में मेरे रहो पर चर्चे किसी और के, जिंदगी ये पूछ बैठी मौत पर लिखने के बाद। और जब जिंदगी का ये सवाल आया तो मैंने अपनी वफादारी दिखाते हुए एक और लाइन लिखी, वो कुछ यूं है कि मुझे वफादारी पर इससे आगे कुछ नहीं कहना, मुझे अपनी वफादारी पर कुछ नहीं कहना, मैं जब भी मौत लिखता हूं तो सांसें रोक लेता हूं। जिंदगी में आज तक कोशिश यही रही कि मिलूं अगर तो उम्र भर का सिलसिला रहे। ये कुछ यूं है कि खुदा को मानता इस शर्त पर हूं, खुदा मतलब वो इंसान जहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, वो एक इंसान भी खुदा हो जाता है कभी कभी, तो उसको जहन में रखते हुए सुनना कि खुदा को मानता इस शर्त पर हूं कि वो भी मुझे इंसान माने, खुदा को मानता इस शर्त पर हूं कि वो भी मुझे इंसान माने। और एक और देखें कि तुमने खुदा माना पत्थर को, तुमने खुदा माना पत्थर को, तुम्हें मानता है क्या कोई, यहां पहचान की ही कीमत है, तुम्हें जानता है क्या कोई। और जब पहला शेर जो था कि तुमने खुदा माना पत्थर को, तो उससे आगे है कि उसका ही पत्थर खुदा माना गया है बार बार, उसका ही पत्थर खुदा माना गया है बार बार, जिसने खुद को खुदा कहने में नहीं संकोच।